नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। केवड़े कॉलोनी में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले पर्यटकों को एकता फूड कॉर्नर के पास के आसपास की दुकानों में से पीने का पानी दुर्गंध मिलता है। इन दुकानों में से जो पानी आता है वह एकता फूड कॉर्नर की छत पर लगी पानी की टंकियों में से निकलता है। दूषित पानी को लेकर एकता फूड कॉर्नर में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि टंकी से दुकान तक पानी लाने के लिए फिल्टर का कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन पानी में से दुर्गंध आती रहती है। कर्मचारियों के मुताबिक दूषित पानी की समस्या को लेकर दुकानदारों ने संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की है, लेकिन पिछले एक महीने से पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने आने वाले पर्यटक अगर केवड़िया से किसी भी समस्या के अभाव को लेकर किसी भी समस्या के अभाव को महसूस करते हैं तो यह वाकई बेहद चिंतित करने वाली समस्या है। इंडिया अखबार लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। यहाँ पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में आए हैं। आज हम जो जगह पर ठहरे हैं वो जगह का नाम है एकता फूड। यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में प्रवासी आते हैं और यहाँ पर प्रवासियों के आने के लिए दुकान की खाने पीने की सुविधाएं दी गई है। आज यहाँ पर हम एक दुकान पे आए हैं मुलाकात के लिए और यहाँ पर आकर हमको जानने को मिला है कि यहाँ पर जो भी प्रवासी लोग आते हैं उसके लिए जो पीने के पानी की जो सुविधा दी गई है वो पानी जो है वो दूषित आ रहा है। जो पानी में से स्मेल भी आ रही है। यहाँ पर जो पीने का जो पानी है उसको एक पाइप में से निकाला जाता है और यहाँ पर दुकानदार को खुद हमने दुकानदार से जाकर बात की और उनसे पूछा कि ये पानी किस हेतु से आप उपयोग में ले रहे हो, तो उसका कहना है कि सर ये जो पानी को है तो हम प्रवासियों के पीने के लिए पानी के यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर हम एकता फूड पर के कुछ साहब लोगों को भी मिले, उनका कहना है कि हम लोगों ने यहाँ पर दुकानदारों के लिए हमारे होटल के टेरेस में हमने टाँकी की व्यवस्था की है जिसमें से यह पानी का कनेक्शन दिया गया है, लेकिन यह पानी को फिल्टर करने का काम जो है वह दुकानदार का है, जो हमने दुकान वालों को बोला है। यहाँ पर दुकानदार भैया का कहना है कि यहाँ पर हम ये जो पानी है वो हम फिल्टर तो करते ही है लेकिन पानी में से स्मेल आती है और जैसे कि ये कोई गटर का दूषित पानी हो उसी तरह से यहाँ पर स्मेल आती है। और यहाँ पर इस घटना को लेकर हमने ये दुकानदार से बातचीत भी की। और यहाँ पीने का पानी बहुत खराब आता है, स्मेल की वजह से पी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं है, सब दुकानों पर उठाता है, फिर कोई सही से दिया भी नहीं। तो यहाँ पर ये जो प्रवासियों के लिए जो पीने के पानी की जो सुविधा की गई है, तो यहाँ पर आपने यह पानी कितने समय से ऐसा दूषित पानी आ रहा है? एक महीना 5 दिन हो गए है। आपने ये पानी के मुद्दे को लेकर किसी अधिकारी को रजूआत की? हाँ, 2 दिन से बात की थी हमारे सर ने, कोई जवाब अभी तक आया नहीं। तो उन लोगों का क्या कहना है? कोई आए नहीं अभी तक चेक करने जी। ये पानी जो है वो आप जरा उसको दिखाओ किस तरह से उसमें स्मेल आती है। जो गटर के पानी में आती है ना वो भी स्मेल आती है। वो दूसरे भाई को पानी सुंगाओ। क्या नाम है आपका? तो कहिए क्या ये पानी कहाँ से आता है? मालूम है, वो लोग बोला इधर फिल्टर करते पानी भेज रहा है। हाँ, बात तो आ रहा है ना यार, जितना फिल्टर करोगे तो बात तो आ रहा है ना। कैसे बात आ रही है इस पानी में से? मशीन के जैसे जो बात है ना, कचरा पानी है उसी बात है। तो यहाँ पर प्रवासी जो लोग आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए तो उसी को भी क्या यही पानी पिलाया जाता है? हम लोग अभी इधर तो पानी नहीं दे रहा, लेकिन अंदर से वही पानी पिला रहा है। तो इस पानी के मुद्दे को लेकर आपने किसी को रजूआत की? नहीं, ये किया था लेकिन अभी मेरे को नया नया खुला ना, इसलिए अभी मेरे को किसी को पहचान तो नहीं है। यहाँ पर केवड़िया कॉलोनी में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है और जो देखने के लिए देश विदेश में से हजारों प्रवासी आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन तंत्र द्वारा प्रवासियों के लिए पानी जो है वो पीने के पानी की सुविधा ठीक तरह से की नहीं गई है, जिसके कारण यहाँ पर आते हुए प्रवासियों में भी नाराजगी देखने को मिली है। क्या प्रशासन तंत्र जागरूक होगा और यह जो दूषित पानी है उसके निकाल के लिए यह कोई योग्य व्यवस्था करेगा? इंडिया खबर लाइव से गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।